आखिर में 25 जनवरी वाक़े मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दफ्तर पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुस्तखर की 10वीं जमात उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर सीरीज़ रुकने असेंबली नामपली जनाब माजिद हुसैन साहब के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने असेंबली माजिद हुसैन साहब ने कहा कि फ़खर मिल्लत व सालार मिल्लत ने मिल्लत के नौनिहालों के लिए तालीमी तरक्की के लिए 2005 से इमदाद फराहम किया था। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इनके अराकीन असेंबली हैदराबाद में जीत हासिल की, मगर इनको उर्दू मीडियम अखिलियती तुलबा के लिए अजला तक वसत दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मजलिस एक ऐसी वाहिद जमात है जो मुसलमानों के तहफ्फुज़ और हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। मजलिस में बेबाक बेखौफ कायदीन रहते हैं, वो मुल्क के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती हैं। इन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात नाकाबिले फरामोश है। हमेशा तालीमी मैदान में तुलबा की रहनुमाई में मजलिस आगे रहती है। तुलबा से ख्वाहिश है कि तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करें और मेहनत व लगन से तालीम हासिल करके अपना अपने माँ बाप और रियासत का नाम रोशन करें। इस मौके पर मुतहदा ज़िला जाबिर बिन सईद अल जाबरी, जाकिर बिन मकसूद साहब एडवोकेट युद्ध सदर मजलिस महबूब नगर नारायणपेट ज़िला मजलिस सदर अब्दुल खादर मैसूरी मोहम्मद इस्माइल नारायणपेट ज़िला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद पाशा टाउन सदर ऊटकुर हाफिज अब्दुल रहमान जनरल सेक्रेटरी ऊटकुर मंडल तखी चांद पीर नारायणपेट खाजी अब्दुल खालिक सदर मस्जिद आदिल शाही मुजाहिद देसाई ख्वाजा यलिम शाकिरी खान रहमतुल्ला फारूख नगरी के अलावा वाहिद हुसैन कलवाल व अनवर बागों ने रुकने असेंबली की शॉलपोशी की। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह ताला आप भी आपके एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा नंबरों से पास होंगे। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह कामयाबी दे और आने वाले आप जो भी आगे फ्यूचर में जो भी आगे करने का सोच रहे हैं अल्लाह उसमें रास्ता आपको आसान करे। भले सकते हाजिर मुस्लिमीन शुरू से आपके साथ ही है और रहेगी यहाँ पे, और ये प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो उर्दू मीडियम मदारिस में पढ़ते हैं और खासकर उर्दू मदारिस में मदारिस स्कूल सीखियो, क्योंकि सालार मिल्लत अली रहमान ने ये जांच लिया था, उन्होंने ये देख लिया था कि जो बच्चे हमारे उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं वो ऐसे घराने से आते हैं जो गरीब घराना होता है या उनकी माशियत थोड़ी कमजोर होती है, जो कॉर्पोरेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आप जैसे बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए आप लोगों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2005 से ये मॉडल पेपर्स करीबन अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को दी है और ये एक वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी जमात है। मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कुल के पूरे बुजुर्ग भी बैठे हुए, नौजवान भी बैठे हुए, मेरी इज्जतदार परदानाशी बहने भी बैठी हुई है। शायद आपने कई एमएलए को एमएलए की कुर्सी पर बैठ कर उतरते हुए देखा होगा, कई दौलतमंद एमपीओं को भी सीट पर बैठा हुए देखा होगा, फिर हारते हुए देखा। स्टेज पर बुलाने से पहले शालपोशी और गुलपोशी के लिए, क्योंकि वक्त का बहुत तकाजा है, मैं इस्माइल साहब काउंसलर गुजारिश करता हूं कि वो शालपोशी और गुलपोशी करें। उसके बाद मैं मोहम्मद पाशा साहब